2022 विधानसभा चुनाव की तिथियां अभी भले ही दूर हों, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां अब अपने चुनाव प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। आज इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रानीगंज के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा जी, जो समाजवादी पार्टी से हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो उनकी पार्टी की नीति होगी इस बार चुनावी, वो किस तरीके की होगी, साथ ही साथ रानीगंज विधानसभा में वो किस तरीके से चुनाव का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मंत्री जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है ग्लोबल भारत न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, ये बताइए, जो समाजवादी पार्टी की नीति है उसे किस तरीके से लोगों के बीच लेके जा रहे हैं और क्या रणनीति होगी आपकी इस चुनाव में? समाजवादी पार्टी वर्तमान चुनाव में 2022 के चुनाव हम लोग नकारात्मक चुनाव नहीं लड़ने जा रहे, हम लोग रचनात्मक और सकारात्मक चुनाव लड़ने जा रहे। हमारे नेता ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण जनहित में काम किए हैं जिनको हमारे पास कहने के लिए पर्याप्त शब्द है और हम लोग उस बात को कहेंगे। चाहे वो 500 रुपया महिलाओं को देने का मासिक पेंशन रही हो, चाहे बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा देने का सवाल हो, चाहे बच्चों और बच्चियों को फ्री लैपटॉप देने का सवाल ना हो, चाहे अप्राकृतिक मौत मरने वाली गाय और उसके बछड़े को या बछिया को 35,000 रुपये देने का सवाल ना हो, किसानों के मूल्य का उचित, किसानों के सामान का उचित मूल्य देने का सवाल ना हो, सड़कों का हो, स्कूल का हो, अस्पताल का हो, हर चतुर्दिक विकास जो राज किया था अखिलेश जी ने, वर्तमान सरकार की, वर्तमान पार्टी की, भाजपा की नीतियों के कारण, प्रचार के कारण लोगों पर तक नहीं पहुँचा। सर, आप ब्राह्मण हैं और सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो ब्राह्मणों को रिझाने के लिए नए नए कार्यक्रम कर रही हैं, इस पर क्या कहना है कि ब्राह्मण किस तरफ जाएगा इस बार? ब्राह्मण के बारे में मैं व्यक्तिगत किसी बिरादरी में मेरा बहुत विश्वास है नहीं, जन्मना ब्राह्मण हूँ इसलिए इसको स्वीकार करता हूँ ब्राह्मण है। और हम जो राजनीति करते हैं वो समाज के सबके तबके को जोड़ करके सबको मान सम्मान के देने का काम करके ही हम राजनीति करते हैं। अब इस समय हर दल के भीतर होड़ लगी है ब्राह्मणों को अपने साथ लाने की, तो सवाल यह है कि ब्राह्मणों के लिए किया कि समाजवादी पार्टी ने तो बहुत सारे ऐसे ब्राह्मणों के काम कितने काम किए हैं, जैसे संस्कृत पाठशालाओं को एक देने का सवाल। संस्कृत पाठशाला में सब लोग जानते हैं 90% से ज़्यादा ब्राह्मणों का अध्यापक है। अखिलेश यादव जी की सरकार ने, कभी मुलायम सिंह जी की सरकार के बाद पहले मुख्यमंत्री हैं इस देश के भीतर जिसने संस्कृत पाठशाला को एक देने का काम किया, और जो बड़ा संस्कृत और ब्राह्मणों का भूल पीट रहे हैं तो वो तो अत्यधिक विद्यालय में देख लीजिए किनकी सबसे ज़्यादा संख्या है। जो 1,000 रुपये हम लोगों ने मासिक देने का स्टाइपेंड देने का समर्थ किया उसको भी बंद कर दिया। ऐसी स्थिति में रोजी रोटी से ब्राह्मणों को जोड़कर, उनके मान सम्मान से जोड़कर करने का काम तो समाजवादी पार्टी ने किया। अन्य दलों का जहाँ तक सवाल है, सब ने सबको सत्ता में देखा है, वर्तमान समय में भी कौन किसके साथ जाति कर रहा है ये भी सब लोग देख रहे हैं। कोई जरूरी नहीं हम किसी दल का, किसी नेता का नाम लिए, हमने क्या किया हम उसको अपनी बात कहना चाहते हैं। मायावती भी चुनाव मैदान में अब उतर चुकी हैं, कल उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया है, उनका दावा है कि ब्राह्मण और दलित मिलाकर इस बार बसपा की सरकार बनाएंगे, इस पर क्या कहना है आपका? मैं जिस प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी हूँ और मुख्यमंत्री रहते हुए बहन जी ने क्या किया है और मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद बहन जी ने क्या क्या किया है लोकसभा के भीतर, प्रमोशन में आरक्षण की लड़ाई किसने लड़ी है सब लोग जानते हैं, और सरकार पर दबाव बनाकर किसे लागू कराने काम किया ये भी सब लोग जानते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ है ये भी सब पता है, वो ब्राह्मण समाज के लोगों को, जिसका श्रेय भाजपा को जाता ही जाता, लेकिन उससे बड़ा श्रेय किसी को जाता है तो माननीय बहन जी को जाता है। SC ST एक्ट जो लागू आज की तारीख में हुआ है, जिसमें 6 महीने तक बिना जमानत के किसी को भी रखने का अधिकार न्यायालय को हो जा रहा है, पुलिस को हो जा रहा है, उसको कराने का श्रेय किसको, उसको भी लागू कराने का काम कौन कौन से, उसमें सबसे ज़्यादा प्रताड़ित आप SC ST ब्राह्मणों पर लागू हो रहा,
उसका दुरुपयोग कर रहा है सिर्फ। तो बहन जी कहती तो कुछ है, करती कुछ है। बहन जी नाम ब्राह्मणों का लेती हैं, शंख बजाने का नाम लेती है, अब तो जय श्री राम भी बोलने लगी बहन जी, जो कभी घृणा करती थी काशी राम। सर वो वैसे भी चुनाव मैदान में उतर रहे यूपी में, इस बार उनकी पार्टी करने जा रही है, कितना इफेक्ट करेगी? लोग कहते हैं कि वी पार्टी है भाजपा की। हाँ निश्चित रूप से वी पार्टी भाजपा की, चाहे बिहार का चुनाव हो चाहे बंगाल का चुनाव, सब जगह उसने प्रयास किया। लेकिन बंगाल के मतदाताओं ने वो बेसिक उनके औकात बता कि जहाँ हैदराबाद से लड़के आते हो तुम, कितनी बार जीत करके, आपके पिता भी सांसद थे आप भी सांसद थे, वहाँ पर क्या किया है आपने उसको पहले बताओ आपने, और आप दुनिया का ठेका लेकर के घूम रहे हो। लेकिन वो वैसे कहते हैं कि हम सपा से गठबंधन को तैयार हैं। वो गठबंधन के तैयार, लेकिन हम तो नहीं गठबंधन के तैयार हैं। क्यों यदि आपको लगता है कि बी पार्टी है भाजपा के, तो आप क्यों गठबंधन नहीं करना चाहते? इसलिए नहीं गठबंधन करना चाहते हैं कि हमारी पार्टी पूरी तरह एक धर्म निरपेक्ष सेक्युलर पार्टी, ओबीसी की पार्टी के साथ ही मुस्लिम लीग संदल का हुआ, और वो मुसलमान की ही एक बात, वो भी बरगलाने का काम करते हैं, उसके हित की बात नहीं करते, उसके विकास की बात नहीं करते, उनके बच्चों को रोजगार की बात नहीं करते, और अगर करते तो फिर हैदराबाद में करके क्यों नहीं दिखाया उनकी सरकार थी, तो फिर रहित होते हैदराबाद। चलिए अब आते हैं रानीगंज विधानसभा, आपकी विधानसभा है वहाँ, किस तरीके से तैयारियाँ कर रहे हैं आप इस बार? रानीगंज में हम तो हारने के बाद भी तैयारी शुरू कर दिए थे, लेकिन आज हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। किसी पार्टी का नाम न ले, किसी सरकार का नाम ले, तो जो वर्तमान हमें जनता जनप्रतिनिधि हैं वो उनके परिवार ने जितना मान जुल उठा रखा है उतना ही पर्याप्त है हमारे चुनाव लड़के जीतने के। इसीलिए आप 4 साल चुप रहे क्या? हम चुप तो कभी नहीं थे, हम तो बराबर लोगों से मिलना जुलना, आना जाना, मीटिंग करना ये सब करते रहते थे। लेकिन मेरा अपना मत है कि एक बार जो चुनाव जनता ने जिसको जिताया है उसको काम करने का मौका मिलना चाहिए। हमने 2.5-3 साल उनको पूरा काम करने का मौका दिया, ये ना कह पावे कि क्या करें, हम कोई काम करने नहीं दिया, और जितना हम काम छोड़ के गए थे आज एक भी काम पूरा नहीं। ट्रामा सेंटर इंडियन सेंटर बन के रह गया, इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ था आज तक नहीं हो पाया कुछ, मेडिकल कॉलेज वहाँ खुलना था जमीन सीधी थी आज वो निकल के चला गया, दूसरी जगह चला गया। सेंट्रल स्कूल लाए थे, सेंट्रल स्कूल पता नहीं कहाँ चला गया। विकलांग विद्यालय, आवासीय विद्यालय जो उत्तर प्रदेश में बहुत लिमिटेड थे, बिल्डिंग बन के तैयार है, आज 5वां साल है उसमें ताला लगा हुआ, हो सकता है खिड़कियाँ भी फाटक भी उसको निकल के चले गए, तो विकास तो कहीं कुछ हुआ नहीं। हाँ ये जरूर हुआ कि जो हम लाए थे वो भी यहाँ से चला गया, जैसे खेल रोड से लेकर के जगनीपुर तक की 28 किलोमीटर सड़क 87 करोड़ रुपये सीआरएफ के भीतर रिलीज कराया था, टेंडर कराया था, आज वो सड़क कहाँ चली गई? अब विधायक जी ने कम से कम 50 बार माला उस पर पहन लिया उस सड़क के नाम पर, लेकिन अब तक तो सड़क पता नहीं चली, तो सड़क नहीं गंदा की सड़क है, जो पता नहीं चलता कहाँ। सर एक अंतिम सवाल, रानीगंज की जनता जानना चाहती है क्या आप अपनी पुरानी पार्टी में फिर से वापस लौटेंगे? नहीं, अटकलें लगाई जा रही हैं। वो ठीक भेज अटकल लगाते समाजवादी पार्टी में, हम समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव जी ठीक कर देंगे तो लड़ेंगे, नहीं देंगे तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन टिकट नहीं मिलेगा ऐसा कुछ लगता नहीं। ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो रानीगंज से ही चुनाव लड़ेंगे और सिंबल भी उनका समाजवादी पार्टी का होगा, यानी साइकिल होगी। इनका साफ तौर पर कहना है कि सन 2022 में बाइसिकल चलेगी और एक बार फिर से मंत्री बनेंगे और अपने इलाके का विकास करेंगे।